हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट जुलाई 2022 के बारे में। तो दोस्तों, यहां पे जो आज आपका एग्जाम हुआ है उसमें हम हिंदी के पार्ट की आंसर की को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? आंसर आएगा 2, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आएगा लताओं के साथ, लताओं के समूह को कुंज कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो यौगिक है? यौगिक शब्द हम ऐसे कहते हैं जिनको तोड़ के, अगर हम तोड़ भी दें उनमें जो अलग अलग शब्द बनते हैं उनका भी एक अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे है विद्या प्लस आलय, विद्यालय, विद्या का भी अलग अर्थ है, आलय का भी अलग अर्थ है। आगे है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे हम व्यंजन क्या कहते हैं? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आंसर आएगा स्वर। जो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोलने वाले अक्षर है उसको क्या कहते हैं? स्वर। आगे है, अंटालिका जो शब्द है वो कौन सा है? तो यहाँ पे संस्कृत का शब्द है, आंसर क्या आएगा? तत्सम। आगे है, जो हमारी क्षद ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? यहाँ पे आंसर आएगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। आगे है, देवनागरी हिंदी व संस्कृत के अतिरिक्त जो हमारी भाषाएं हैं उसमें ये जो लिपि है कौन कौन सी भाषाओं में यहाँ पे यूज़ की जाती है? तो यहाँ पे आएगा मराठी व नेपाली, मराठी और नेपाली जो भाषाएं हैं उसमें भी देवनागरी लिपि का जो यूज़ है वो किया जाता है। आगे है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? आंसर आएगा कवित्री। आगे है, जो हिंदी की विशिष्ट बोली है वज्र भाषा उसका सबसे प्रसिद्ध रूप कौन सा है? आंसर आएगा काव्य भाषा। आगे है, सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर घनिष्ठ होना चाहिए। आगे है, भूतकाल के कितने भेद है? आंसर दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा है, 6। आगे है, रसराज कौन से रस को कहा जाता है? आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे श्रृंगार। आगे है, अंगूठा दिखाना जो हमारा मुहावरा है उसका क्या अर्थ है? देने से इनकार करना। र का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको इसका आंसर पता होगा, र। र जो हमारा शब्द है उसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? यहाँ पे आगे हमारा 72nd क्वेश्चन है, यहाँ पे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो हमारे शब्द है उसके कितने प्रकार होते हैं? आंसर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे? 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आगे है, बेइंसाफी में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? आंसर क्या आएगा? बे। आगे दोस्तों, के लिए जो हमारा कारक है उसमें कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? दोस्तों आएगा संप्रदान। आगे है, शिव का जो विशेषण है वो क्या है? शैब। आगे है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? यहाँ पे आंसर है रति। आगे है, दिन रात को बताने के लिए दिन और रात ये दो हमारा शब्द है, इसमें कौन सा जो हमारा समास है उसका प्रयोग किया जाएगा? दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे अपने आप बताओगे। आगे दोस्तों, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था हमारा, लिंग की दृष्टि से ये जो हमारा दही शब्द है उसको हम क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? पुलिंग। लेकिन अगर हम संस्कृत बात करें तो उसको दही को नपुंसक लिंग में शामिल किए गए, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा पुलिंग। आगे है, जो हमारा लालटेन शब्द है वो कौन सा? विदेशी शब्द है, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों, गिरिधर जो हमारा शब्द है उसमें कौन सा समास है? आंसर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे? बहुव्रीहि समास। आगे है, निम्नलिखित में से ये जो स्वर संधि है इसका उदाहरण कौन सा है? दोस्तों आई थिंक इसका जो आंसर है वो कौन सा सकता है? मनोहर। आगे दोस्तों, इन ये जो हमारे पास कवि दिए गए हैं इनमें से भक्तिकाल कवि कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पे है अमीर खुसरो। आगे है, गंगा के गंगा था, यमुना के यमुना था, इस मुहावरे का ये जो हमारा अर्थ है वो क्या है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो? आगे दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या किया जाना चाहिए परीक्षण। आगे दोस्तों, ह्रस्व दीर्घ व प्लुत किसके भेद है? तो यहाँ पे मैंने आपको वीडियोज में ही बताया था स्वर के, ठीक है दोस्तों, स्वर के ये भेद है। आगे है, आलस्य शब्द का जो विशेषण है वो क्या है? तो यहाँ पे है आलस। आगे है दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चन, ठीक है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है आपके यहाँ पे कितने जो क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। थैंक यू।